लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। विवादित एसडीएम रामसर्जन मौर्य का एक और वीडियो वायरल। एसडीएम की गाड़ी रोक, बालू कारोबारियों का हंगामा। एसडीएम रामसर्जन मौर्य पर लगाया अवैध वसूली का आरोप। रायलिटी की मिली पर्ची फाड़ने और बालू लदी टालियों को जबरन चलान काटने को लेकर बालू कारोबारियों ने एसडीएम की गाड़ी घेर किया घंटों हंगामा। एसडीएम घूसखोर के लगाए नारे, पूरे हंगामे की वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। शर्मसार हुआ जिला प्रशासन महाराजगंज। एसडीएम निचलो रात्रि को गश्त में निकलते हैं और सुबह 6 बजे तक वापस लौटते हैं। पूरी रात गश्त के दौरान कई गाड़ियों को पकड़ने और छोड़ने की सूचनाएं भी आए दिन वायरल होती रहती हैं। पर दिन भर में चले 250 कोस वाली कहावत एसडीएम की क्रियाकलाप से चरितार्थ होती जाती है। आखिर निरंतर प्रतिदिन जब एसडीएम मिश्रो रात्रि भ्रमण कर पहरेदारी करते हैं, तो फिर कैसे कनाडिया मतर तस्करी उपरोक्त तहसील क्षेत्र का कुटीर उद्योग बन गया है और निर्बाधन चल रहा है। एसडीएम मिश्रोल की पूरी भाग दौड़ी जब से एसडीएम मिश्रो रामसंजन मौर्य आए हैं तब से संदिग्ध है और एक तरफा कार्रवाई करने की कई गंभीर आरोप है। बीते ही दिनों की बात है कि रामसंजन मौर्य ने शिकायत कर रही महिलाओं को गाली बकी थी और धक्का मार गिरा दिया तथा गिरफ्तारी तक करवा दिया था, जिनमें काफी थू-थू होने के बाद सांसद महाराजगंज ने एसडीएम की शिकायत महिला संघ खुद पहुंचकर डीएम से किया बावजूद इसके भी एसडीएम निचलोल के कार्यप्रणाली में अब तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब बालू कारोबारियों से अवैध वसूली को लेकर सुर्खियों में है, जिनका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे जिला प्रशासन शर्मसार है। वीडियो में बालू कारोबारी एसडीएम रामसंजन मौर्य को जलील करते दिख रहे हैं। वही रामसंजन मौर्य सर झुलाकर उनकी बातों को सुन रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं तथा उनकी सुरक्षा में तैनात गार्ड और स्थानीय पुलिस लोगों को शांत कराने में लगी हुई है। पर लोग शांत होने के बजाय एसडीएम रामसंजन मौर्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार और घुसखोर एसडीएम का नारा लगा रहे हैं, यही तथा रायलिटी की पर्ची क्यों फाड़ा आदि की जानकारी मांग रहे हैं। तमाम आरोपों की झंडी भी लगा रहे हैं, पर रामसंजन मौर्य कुछ कहते हैं फिर चुप होकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, जिसके बाद बालू कारोबारी गाड़ी के आगे खड़े होते दिख रहे हैं, जिन्हें सुरक्षा में लगा दरोगा समझाता दिख रहा है। एक तरफ निचलोल के विवादित एसडीएम रामसंजन मौर्य पर लगातार घुसखोरी के आरोप लग रहे हैं और आए दिन वीडियो वायरल हो रहा है, तो ही दूसरी तरफ बालू कारोबारी भी अवैध खनन को लेकर सुर्खियों में आए दिन बने रहते हैं, जिनके साथ अवैध वसूली की पहली बार वीडियो वायरल हुआ, जिस पर वह हंगामा खड़ा किए हुए हैं। वरना बालू कारोबारी भी अवैध कार्यों में ही अक्सर लिप्त रहते हैं और एक ही पर्ची पर कई बार बालू लाते हैं।